किया है। यहाँ गर्ल्स स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स, एमटेक स्टूडेंट्स, एमएससी स्टूडेंट्स, जिनको उन प्रोफेसर ने सुपरवाइज करा है या पढ़ाया है, तो सब अपने बारे में, उनके बारे में अपने व्यूज आपको बताने के लिए खड़े हैं। हमारा ये मानना है कि वो प्रोफेसर बिल्कुल इनोसेंट है और उनके उनके फेवर में एक निष्पक्ष जांच बिठाई जानी चाहिए। और जो लोग वो स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, हमारे उनसे भी ये अपील है कि एक मिनट प्रोटेस्ट करने की जगह आप सोचिए और हम सबकी बात सुनिए कि एक के कहने से आप सब उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ये उनके भी फैमिली है, उनकी भी लाइफ का सवाल है, उनकी भी जॉब्स हैं और हम यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो पूरे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि वो प्रोफेसर बिल्कुल इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया है और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको व्यूज बताएंगे अपने उन प्रोफेसर के बारे में। Also taking classes from both of the professors, and I have not faced anything of this sort. And he's a very gentle person, and anything of this sort, any of my classmates here will vouch on the fact that he can never do such things. So we want fair justice for him, and all these allegations that has been put up against him are merely false. I've studied under him for 4 semesters now, and I know that he's a very good person and he's very respectful towards women. As for the caste thing, there are other people also from caste here, we belong to caste, but he's never done any sort of discrimination with any one of us and he's a very good person. You have to understand when you prop up such allegations, you have to have evidences to support that. We are standing here, we know him for like 2 years, 4 years, 5 years, and all of us can vouch that he is innocent because we have never faced such injustices or such discriminations from his part. So we have to say that he is innocent, and all of us support us. Support him with all our hearts. हिंदी जिसको आती है, इतने सारे बच्चे अगर एक प्रोफेसर के इन प्रोफेसर्स के लिए खड़े हैं और उनके फेवर में बोल रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तो होगा। सिर्फ एक लड़की के बोलने से आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। एटलीस्ट इससे उनका पर्सनल प्रोफेशनल हर चीज डिस्टर्ब हो रही है। प्लीज हैव सम लाइक कुछ सोचिए उसके लिए। और एक निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं कह रहे, बट प्लीज उनको बात करें एक बार। ये कोई सही तरीका नहीं है कि उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए। ऑन दो दे आर ऑल्सो एजुकेटेड, तो आपको एक सही वे में ली गई, जो करना चाहिए वो हो रहा है और होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप एक साइड से कि वो टीम से आ जाएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। पीएचडी स्कॉलर हूँ, जब मैं बड़ी खो गई हूँ और इसी के तो से बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर एज अ पीएचडी स्कॉलर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, और ऐसे नहीं कि हम लोग सब एक ही कैटेगरी, हम लोग डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ पर आ रहे हैं। कोई ब्लू, कोई बैकवर्ड कास्ट पे, कोई डिफरेंट कास्ट पे, बट हम लोगों को कभी ऐसा फेस नहीं किया यहाँ के प्रोफेसर के थ्रू कि उन्होंने ऐसे कुछ जाति सूचक वर्ड कहे हम लोगों को। और मैं 3 साल से पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे यहाँ पर सब काम स्मूथली हो रहा है। मेरा कोर्स सही हुआ, मेरा हर चीज रिसर्च मेरी सही चल रही है। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर ने मुझे ऐसा नहीं कहा पर्सनली कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, कभी ऐसा नहीं कहा। और उसके बाद हम लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े रहेंगे तो हम रिसर्च भी कर पाएंगे। ये मेरा कहना है। क्योंकि इतने सारे बच्चों तो फ्यूचर स्टेट पे है, आप इतने सारे लोगों को नहीं कर सकते एक के कहने पर। एक लड़की की वजह से, हाँ, एक की वजह से। सर, सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज कि आईआईटी में ऑलरेडी देर इज अ सेल, देर इज अ कमिटी ऑफ डिफरेंट एजुकेटेड, वेरी वेरी वेल लर्न पीपल, एंड दे आर नॉट स्टूपिड कि आप किसी बाहरी फोर्स का आप यूज कर रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग फॉर योर पर्सनल प्रॉफिट। दैट इज एक्चुअली नॉट गुड, एंड वी डू नॉट सपोर्ट दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वी वॉन्ट, देर शुड बी अ वेरी unbiased investigation against it, or and there should be a clear transparency. It's not like that a girl is saying, so we all are saying. That is not. We all are here to support our faculties, and we support. So we have a separate cell for women in IIT, and I am working in this department from last 2 years, and I haven't heard anything about both the professors.
These allegations are totally false, and the people are trying to use such things for their personal benefits, which is very, very wrong, and we are strongly against all these things. And to the people who are protesting in favor of the girl, that girl, we want to say we are also girls. You are saying she's your sister. We are also your sister. We also belong to you. So it means it is your right, like it is your moral duty to listen to us and not to support one. And it is favor of unbiased investigation. It's not about girl, it's all about right and wrong. Right. And it's all about students. We all, if somebody, if a girl is facing a discrimination, then a guy will also face discrimination. So we all are protesting for him, and you cannot listen to only one person on any basis. We are all suggesting that nothing of this sort has ever happened. उस लड़की का सीनियर हूँ, 3 साल से देख रहा हूँ, रिसर्च में 0 है, शी इज इनएफिशिएंट फॉर रिसर्च, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, और और इसके आगे कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे सेक्शुअल हैरेसमेंट और कैस्ट का रिलेटेड वो केस लगाया गया, फेक केस, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव है ना, इसलिए वो लगाइए, सारे फेक है, जो भी वर्ड्स है सब फेक है, एक भी ट्रुथ नहीं है. वो लड़की होने का फायदा उठा रही है अपने, और अपने वो कैटेगरी भी है तो वो उसका भी फायदा उठा रही है. वो चाह रही है कि मैं अपना एज अ पावर ऑफ गर्ल्स आई यूज एंड सबका कैरियर खराब कर दूं. जो यहाँ पर लाइक प्रोफेसर्स है, लाइक उनकी भी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उन पे क्या बीत रहे होगी, प्लीज इसको देखा जाए. मैं भी वो सेम लैब बिलोंग करता हूँ, और मैं उसको पर्सनली देखता हूँ, क्योंकि सेम लैब में तो ऑब्वियसली देखेगी, तो उनके बिहेवियर हमेशा खराब रहा. छोटी छोटी बातों पे इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, इतना एक्सेजरेट करके बात करते हैं, और हम सब परेशान हैं इसकी वजह से, क्योंकि हम यहाँ आए रिसर्च करने हैं, ऐसे छोटी मोटी चीजों में लेके नहीं आना है. एंड आई एम सीनियर ऑफ हर, और हमारे आई एम सीइंग फॉर हर फॉर द पास्ट 3 ईयर्स. हमारे लेफ्ट से ऑलरेडी शी नेवर बिहेव्ड वेरी वेल इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ माई सुपरवाइजर, एंड आई बिलीव यू हैव सम प्रॉब्लम. हमारी लाइफ से ऑलरेडी 6-7 PhD निकल चुके हैं, जिसमें 6 PhD आर इन टॉप मोस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, वे आर इन अ गुड पोजिशन, स्टैनफोर्ड, UCL, स्टैनफोर्ड, UCL, सम आर साइंटिस्ट, यू कैन सी हिज रिसर्च प्रोफाइल, दे आर ऑल्सो इन दैट ग्रुप, 3 आर गर्ल्स ओनली, 3 आर बॉयज. अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगाए गया, और PhD आराम से मिलने के लिए ऐसे एक यूज किया गया, और इसमें आपको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकता, और आप ऐसे कर रहे हो तो एक के बाद दूसरे ऐसे करने शुरू हो जाएगा. एंड रिगार्डिंग द वीडियो दैट द वीडियोस हैव बीन टेप्ड इन अ रॉन्ग सेंस, व्हिच ही इज सेइंग इट्स टोटली फॉल्स. द गर्ल हु हैज मेड द वीडियो, उसने बोला है, उसने अपने पर्सनल डिफेंस में वीडियो बनाई है, क्योंकि कुछ लड़ाई का सीन वहां पे क्रिएट हो गया, तो अपने पर्सनल डिफेंस में उस लड़की ने वीडियो बनाई है. इस वीडियो का किसी प्रोफेसर से कुछ लेना देना नहीं. हम भी उस लैब से जानते हैं, प्लीज आप लोग. और वन मोर थिंग, उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें बोल रखा है, कोट किया गया है कि लैब मीटिंग में जाति सूचक का शब्दों की इस्तेमाल किया गया है, और वो जो चीज है 100% झूठ है. मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, सब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लैब मीटिंग में की बात है. हम हमारी क्लास में 8 है, 2 गर्ल है और 6 बॉयज है. हमें आपस में 8 में नहीं पता किसकी क्लास क्या है, और हमें सिर्फ आगे का नाम पता होता है, उसके अलावा आज का मतलब नहीं. हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, और हम यहाँ अपनी मेहनत से हैं, तो कोई भी कहीं बाहर से आके उसको नहीं पता और वो एजुकेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप हमारी एक ही डिमांड है और फाइनल वन डिमांड है, मेन डिमांड है, और अगर ऐसा अगर वो लड़की सही होती तो इंस्टीट्यूट साथ देता है, इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट साथ देते हैं, बट उसका इंस्टीट्यूट कोई साथ नहीं दे रहा, बाहर के लोग उसका साथ दे रहे हैं, आकर ये नहीं होना चाहिए. और ये लोग करता है कि बाहर यहाँ के लोग इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है अंदर के स्टूडेंट्स ही केवल रियलिटी आपको बता सकते हैं. हम लोग भी यहाँ पे बहुत टाइम से इतनी लड़कियां हैं, हम लोग यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और अगर कुछ गलत हुआ होता है तो हम लोग डेफिनेटली उसको सपोर्ट करते हैं. और अगर सबसे पहले जो बात हमें ही पता होती है, अगर कुछ गलत होगा, अगर उनको इतनी प्रॉब्लम थी कहां से, तो उन्होंने दिया क्यों, एज अ PhD.
यहाँ पे सब एजुकेटेड हैं, हम लोग को कास्ट का टाइम मैटर नहीं करता, हम लोग केवल टैलेंट और नॉलेज हमें सिर्फ पता है कि कौन हमारा बैचमेट है, कौन हमारा असिस्टेंट है, इससे ज्यादा हमें पता ही नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो ये सोचता हो ये इस कास्ट का है या इस कास्ट का है। अगर ये सब अगर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में ये सब होने लगा तो रिसर्च नहीं होगी ना, की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट बन पाएगा और वो तो इंडिया वही रह जाएगा, इंडिया वही रह जाएगा, कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये फेक एलिगेशन को प्लीज सीरियसली ना लेते हुए हमें कमेटी वैसी होनी चाहिए और उन प्रोफेसर को प्लीज इतना टॉर्चर ना किया जाए, उनकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल है, पर्सनल लाइफ दे हैव, स्मॉल चिल्ड्रन, डोंट टॉर्चर देम प्लीज, वी सपोर्ट देम एंड वी आर विद आवर इंस्टीट्यूट, वी आर विद आवर फैकल्टी, so we are supporting and we are supporting our faculty, our professors, we know they are right, whole institute is supporting to him, both professors, we are in support of our professors of IIT Roorkee.